इस बार जनता खुद विधायक बनने जा रही है। मीडिया की तो बात करेंगे, मीडिया तो बहन जी को कहीं से कहीं तक दिखाता ही नहीं है। जितने बड़े बड़े मेरी वालदा ने काम किए हैं, ना ही किसी ने करे और ना कोई कर सकता। उत्तर प्रदेश लेवल पर बात नहीं होगी, बात होगी संबल विधानसभा की, 33 विधानसभा की। 2007 के अंदर फुल बहुमत से सरकार बनाई थी, इंशाल्लाह बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। बाबन सराय छत्तीसपुर वाली 33 विधानसभा संभल से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां से समाजवादी पार्टी के 5 बार के विधायक नवाबलाल महबूद का कब्जा है और वहीं यहां से कांग्रेस ने निदा अहमद और भाजपा ने राजेश सिंगल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने इस बार हाजी शकील कुरैशी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले जुड़े रहे थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके पुत्र हसनैन शकील। उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल इस समय संभल के अंदर है, क्या लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे बात की, और तैयारियां आपके सामने हैं और सोशल मीडिया पूरी सब चीज़ बता रहा है। आज जनता साथ में है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताला का। और जिस तरीके से हमारी वालदा ने शहर के अंदर विकास किया और वो जनता के सामने हैं, जितने बड़े बड़े मेरी वालदा ने काम किए हैं, ना ही किसी ने करे और ना कोई कर सकता। अच्छा हसनैन, अभी कुछ दिन पहले ही वालिदा का इंतकाल हुआ है, क्योंकि चुनाव की आप तैयारियों में थे, उस दौरान ये एक आपकी माता जी का इंतकाल हुआ, तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, वालदा का सपना था और मैंने अपने 12 साल हॉस्टल के अंदर स्पेंड किए हैं और जितने भी ये तालीम दी है खिदमत खल्की, वो मेरी वालदा ने दी है। और मेरी वालदा का अपना खुद का सपना था कि यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मेडिकल कॉलेज बने, और जो नौजवान यहाँ पर आज बेरोज़गार है, शिक्षा से दूर है, जो बुज़ुर्ग हमारे आज खून के आंसू रो के रह जाते हैं पर लेकिन उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, मेरी वालदा का सपना था। यहाँ पर विधायक बनते ही हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 बेड ऐसे रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज़ की वेरिफिकेशन करा के, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑपरेशन और इलाज वगैरह, उनकी वेरिफिकेशन करा कर हम उनका इलाज कराने का काम करेंगे मुफ्त, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। अच्छा हसनैन, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, 5 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और क्योंकि उनको हराना बहुत मुश्किल खीर होती रही है, क्योंकि लगातार 5 बार जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है, किस तरह से जनता को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर भी बड़े कट्टर हैं। देखिए, वोटर्स की और उनकी तो बात ऐसी है, उत्तर प्रदेश लेवल पर बात नहीं होगी, बात होगी संभल विधानसभा की, 33 विधानसभा की। आज जो नौजवान बेरोज़गार है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रहते हुए, विधायक पद पर रहते हुए, मिनिस्ट्री रहते हुए, क्या कोई एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया संभल के अंदर? अगर एजुकेशन रेशियो देखें आप तो 0 लेवल पर है, अगर आप लेबर क्लास का रेशियो देखेंगे तो वो इंक्रीज डे बाई डे होता जा रहा है। सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए हम घर घर रोज़गार देना चाहते हैं, अपनी वालदा के सपने को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमने विकास किया, जनता के सामने विकास और उनकी बदहाली भी जनता के सामने है। आज युवा, संभल का युवा और हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, मेरे साथ मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और मेरे साथ मेरे युवाओं का साथ है, ये मेरा इंस्टाग्राम और मेरी सोशल मीडिया कहती है। जितना मैंने लोगों के बीच रहकर लोगों का सुख दुख बांटने का काम किया है, आज मुझे जनता से, विधानसभा से पूरी भरपूर मुझे मोहब्बत मिल रही है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इस बार जनता खुद विधायक बनने जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा, आपके वालिद हाजी शकील साहब की बात करें, नवाब इकबाल महमूद की, किसी समय पर बड़ी गहरी मित्रता हुआ करती थी, एक ही साथ उठना बैठना था, एक ही पार्टी में थे, क्या वजह हुई कि विद्रोह फैला? जिस लाल की कब्रिस्तान के बारे में 2017 के अंदर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को वादा करना पड़ा, आज वही एक कैंडिडेट खुद एक मैदान में है। अल्लाह ताला को मेरी वालदा के हाथ से काम लेना था उस कब्रिस्तान का, मेरे वालिद साहब ने लोगों से मोहब्बत की है, लोगों का भरोसा जीता है, लोगों के काम करने का वादा किया है। अगर लोगों ने काम करने का काम नहीं किया तो आज अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को इस काबिल बना दिया कि जनता ने खुद ये कहा कि आप चेयरमैन बनिए और आप ही विधायक बनने काबिल हैं, आप ही खिदमत खल करना जानते हैं, और आज जनता
खिदमत खल को जिताने जा रही है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। हसनैन, ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है उसमें बसपा बहुत नीचे आ रही है, कितना इन ओपिनियन पोल से सहमत हैं? मीडिया की तो बात करेंगे, मीडिया तो बहन जी को कहीं से कहीं तक दिखाता ही नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जैसे 2007 के अंदर फुल बहुमत से सरकार बनाई थी, इंशाल्लाह बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। नवाब साहब का एक वीडियो है सराय तरीन और दीपा सराय को अपना दिल बताया है, तो इस दिल में कैसे सेंधमारी कर पाए? इस दिल को मैं ये जवाब देना चाहूँगा, इस ऐसा दिल है कि 37 के 37 वार्ड हैं और पूरी विधानसभा के अंदर बिजली ऐसी है कि 15-15 दिन ट्रांसफार्मर फूक जाता है। लोगों से ये बात कही जाती है कि चंदा कर लो, मेरे वाले साहब ने और मैंने चंदा का धंधा बंद करने का काम किया है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, विधानसभा की लाइट की भी समस्या हम ही दूर करने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हसनैन शकील, क्योंकि जिनका दावा है कि इस बार संभल विधानसभा से हाथी जीतने वाला है, और मेडिकल कॉलेज का, इनकी वालिदा का और इनके पापा का सपना है। अब देखना ये होता है कि संभल विधानसभा की जनता आने वाले 14 तारीख को किस मत को, किस निशान पर अपनी मोहर लगाती है, और यहाँ से किस प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम करेगी।